बस नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम दिखा रहे हैं आपको शिवाईपट्टी थाना में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस किस तरह मनाया गया है धूमधाम से, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। बहुत ही धमाल मचने वाला है इस वीडियो में और आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर जिला का सबसे नंबर वन पुलिस स्टेशन शिवाईपट्टी और शिवाईपट्टी में किस तरह 75वां गणतंत्र दिवस कितनी धूमधाम से मनाया गया है। तो चलिए बने रहें और देखते रहें। जैसा कि अभी देख सकते हैं, हम अभी आ चुके हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और कुछ इस तरह से झलकियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह कैसे झंडोत्तोलन का काम फाइनल किया गया था। तो बने रहें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहें। चलते हैं और ये हमारा बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ का झंडोत्तोलन और ये जो था शिवाईपट्टी थाने के था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। अभी है शिवाईपट्टी थाना में और जैसा कि अभी जो है 26 जनवरी का जो है झंडोत्तोलन का काम पूरा हो चुका है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं और जो भी वितरण था एक प्रसाद के रूप में वो भी बांट दिया गया है यहाँ पे और काफी ज्यादा यहाँ से आपको भीड़ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग है ये जो थाना है शिवाईपट्टी में, तो यहाँ अभी मॉर्निंग होते हुए झंडोत्तोलन का काम। हेलो गाइज, नमस्कार। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो आपको जगह दिख रहा है ये पुलिस स्टेशन के बाहर का साइड है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अंदर और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है। तो चलिए बने रहें और देखते रहें। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा परेड का काम होगा और उसके बाद झंडोत्तोलन का काम होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 26 जनवरी वो तारीख है जब हमारा भारत में लोकतंत्र ने पहली बार जन्म लिया था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार यहां से मनाया गया और बहुत ही उत्सव के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग इस झंडोत्तोलन में भाग लिए और इस गणतंत्र दिवस के दिन इस झंडोत्तोलन को काफ़ी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया और बहुत सारे गेस्ट लोग भी आए थे, जाने माने अगल के भी बहुत सारे लोग आए थे। गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा मैं परेड का जो ये सिस्टम है ये मैं दिखाऊंगा, उसके बाद अभी झंडोत्तोलन का काम होगा, उसके बाद जितने भी आए हुए बच्चे लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी आए थे इस गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए, देखने के लिए। तो बहुत ही अपने आप में एक खास बात है 26 जनवरी और यहाँ थोड़ा ही देर में ये जो झंडोत्तोलन का काम है फाइनल हो जाएगा और उसके बाद जितने भी आए हुए गेस्ट हैं उन सबों को कुछ मुँह मीठा कराया जाएगा। और ये देख सकते हैं अभी बहुत ही कपकपाती ठंड थी, फिर भी इस ठंड में भी जो है सो कि काफ़ी अच्छा फुल ड्रेसअप में एक अच्छे ढंग से मनाया गया गणतंत्र दिवस। और ये गणतंत्र दिवस पूरे मुजफ्फरपुर जिला में सबसे बढ़िया मनाया गया था, सबसे जबरदस्त मनाया गया था। और जितनी बात करें बच्चों की भीड़ों का, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखते हैं ये जो प्रांगण है पुलिस स्टेशन के अंदर का, यहाँ पे ही हर साल मनाया जाता है। और ये जो गणतंत्र दिवस है 75वां साल का मनाया गया है गणतंत्र दिवस, हमारे गणतंत्र दिवस का 75 साल हो चुके हैं। तो चलिए अभी अब थोड़ा सा फोटो का कार्यक्रम किया जाएगा। तो जैसा कि मैं बता दूं ये जो 26 जनवरी है जिसमें इसने न जाने कितने कुर्बानियां देखी, बलिदान और भारत माता के वीर सपूतों तो अपने अमूल्य प्राण न्यौछावर करते देखा। इसी दिन हमारा जो संविधान था वो तैयार हुआ था जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती है। आज से 75 साल पहले साल 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में ही चुना गया था। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का एक उत्सव मनाते हैं, उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों शोरों पे की गई है। और जैसा कि आप यहां लाइव देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा मैं यहां पे आया हूं और ये जो है हमारा शिवाईपट्टी का जो थाना है इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आउट ऑफ में भीड़ है। तो फ्रेंड्स, ये गणतंत्र दिवस कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स करेंगे और आप लोगों में से किस किस ने गणतंत्र दिवस मनाया है 26 जनवरी को वो सभी लोग कमेंट्स करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस कितने यहाँ पे बच्चे लोग हैं और हमारा पुलिस स्टेशन ये दिखने में कुछ ऐसा है जो पूरे मुजफ्फरपुर जिला का नंबर वन है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।